कि जिसका जो जितना बदनाम होता है उसी का नाम होता है। तो शायद ये चंदन चंचल जी इतना बदनाम नहीं होते, इनके गाने ट्रेंड नहीं होते और देवरा ढोंगी चटना पूरा वर्ल्ड पे बजने पर मजबूर हो गया है गाना, और उसी का नतीजा है कि आज 127 गाड़ी इनको प्राप्त हो रही है। मौजूद है चंदन चंचल जी हमारे, और मैं थोड़ा इनसे भी चाहूँगा जानने का प्रयास करूँगा कि काफी गरीबी से उठे हुए हैं, समझे नहीं। आपकी मौजूद है चंदन चंचल जी हमारे, और मैं थोड़ा इनसे भी चाहूँगा जानने का प्रयास। अरे की पतिया नतिया पटना बा, अरे की पतिया नतिया पटना बा, देवरा गाल काटना बा। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तवाही और आप देख रहे हैं तवाही न्यूज भोजपुरी। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ पटना के लीडर शोरूम में, जो कि महिंद्रा का शोरूम है। थोड़ा कैमरा मैन से चाहूँगा आपको उस लीडर शोरूम को दिखाया जाए, और यहाँ पे महाकाल स्टूडियो के मालिक राहुल सम्राट जी मौजूद हैं। और मैं किन कारणों से यहाँ पहुँचा हूँ, थोड़ा सरप्राइज अभी पैक है, लेकिन मैं थोड़ा चाहूँगा कि इस गाड़ी को दिखाया जाए, जो कि ये गाड़ी को जान रहे होंगे बाखूबी कि ये गाड़ी किसके लिए, और आज दिन मंगलवार है और यहीं पर सभी लोग मौजूद हैं। एक गाड़ी चंदन चंचल का है, गाड़ी को थोड़ा नज़दीक से दिखाया जाए, और देखिए बिल्कुल वाइट कलर की चमचमाती गाड़ी है, और ये चंदन चंचल जी का गाड़ी है, जो कि देवरा ढोंढी चटना बा गाने काफ़ी उनका सुपर हिट हुए। तो यही गाड़ी है चंदन चंचल जी का, जो कि XUV 700 है, और गाड़ी का उद्घाटन भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहीं पे देखिए चंदन चंचल जी मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि यही चंदन चंचल है कुंदन बिहारी मघी स्टार, जो कि देखिए यहाँ पे XUV 700 गाड़ी आज चंदन चंचल खरीद रहे हैं, जो कि आज दिन मंगलवार का है और दशहरा का समय है। और देखिए यही चंदन चंचल दिन शुक्रवार है, और चंदन चंचल का XUV 700 गाड़ी खरीदा रहा है, और मैं यहीं पर मौजूद हूँ। सभी तमाम लोगों को दिखा दिया जाए, कैमरा मैन से चाहूँगा कि यहाँ पे मघी स्टार कुंदन बिहारी जी भी मौजूद हैं, यहाँ पे महाकाल स्टूडियो के मालिक राहुल सम्राट जी भी मौजूद हैं, और साथ में यहाँ पे सिपाही चाचा भी मौजूद हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जो जितना बदनाम होता है उसी का नाम होता है। तो शायद ये चंदन चंचल जी इतना बदनाम नहीं होते, इनके गाने ट्रेंड नहीं होते, और देवरा ढोंगी चटना पूरा वर्ल्ड पे बजने पर मजबूर हो गया है गाना, और उसी का नतीजा है कि आज 127 गाड़ी इनको प्राप्त हो रही है। चालू करना है। चंदन जी से मैं बात करने का प्रयास करूँ, तो चंदन जी आप ये बताइए कि आज 127 गाड़ी आप खरीद रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है? सबसे पहले तो तबाही न्यूज के श्रोतागण और हमके चाहे वाला सबके प्रणाम बा, और आज उनके सब आशीर्वाद से, और आज हम बहुत खुशी होता वहाँ के आशीर्वाद प्यार मिलल, और आगे भी वहाँ का आशीर्वाद प्यार ले बा, और मिली वहाँ का आशा बा। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि एक गरीब घराने का एक लड़का एक सुपर स्टार रातों रात बन जाता है, और जिसे साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने का नसीब नहीं होता है, ऑटोमेटिक उन्हें XUV प्राप्त हो जाती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। इसका धन्यवाद आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब धन्यवाद हमार जनता श्रोता बानी जे हमरा के इतना आशीर्वाद देतनी, आप सबके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जे शामिलो नहीं हो के यहाँ से प्रणाम बा, और आगे हमनी के मिलम जाता मिठाई। मैं थोड़ा चाहूँगा कि जो मैं बात बोला कि साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने का नसीब नहीं था उस समय, ये बात सच्चाई है कि मैं गलत बोला? समझे नहीं। आपकी गरीबी को मैं बताया, ये बात सच्चाई है ना? हाँ सच्चाई है, सच्चाई है, और कोई भी गरीबी स्तर से ही आगे जाता है, और हमारे श्रोता का आशीर्वाद प्यार है बस, और आगे भी कुछ बड़ा होगा। देखिए कुछ बातचीत कर, यही एक गरीबी का मेन मुख्य कारण यहाँ पे है चंदन जी का, कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस कैमरा को दिखा दिया जाए, और यहीं पे मौजूद है चंदन चंचल जी हमारे, और मैं थोड़ा इनसे भी चाहूँगा जानने का प्रयास करूँगा कि काफी गरीबी से उठे हुए हैं, तो थोड़ा इनके मैं मजबूरी को समझूं। थोड़ा चंदन जी आप ये बताइए कि थोड़ा अपने बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, जो कि आज आप बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। बैकग्राउंड तो सब कोई जाना था, हमने के कहाँ से आयल बानी, जा हमने के मिट्टी के बानी, जा हमने के जमीनी स्तर से बानी, हमारा जमीनी स्तर से बहुत लगाव है, आ कभी भी प्रेम कैले बानी, आगे भी आदमी वही स्तर से आदमी चली, बस श्रोता का आशीर्वाद प्यार मिली बस। तो थोड़ा चाहूँगा कि दर्शकों को आज जिस गाने के माध्यम से लोग आपके पास पहुँचे हैं, आपके पास XUV भी पहुँची है, तो गाने थोड़ा हो जाए दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। गाना रहा अरे की पतिया नतिया पटना बा,
अरे की पतिया नतिया पटना बा देवारा गाल काटना बा देवारा ढूंढी चाटना बा। अच्छा, आप जिस स्टूडियो से गाने को चंदन जी गाए थे, थोड़ा उन्हें आप धन्यवाद देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, और राहुल भैया के स्टूडियो से, भैर महाकाल स्टूडियो से, और आज सबके सहयोग बा, भैया का आशीर्वाद बा, साथ ही साथ हमारे मगही भाई भी आए हुए हैं, मेरे बड़े भैया हैं शशांक भैया, संतु भैया, DRS के देख रेख करता धीरज भैया भी आए हैं, पंकज सोनी भैया आए हैं, सब कोई के लवकुश भैया आए हैं, सब कोई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज एक अलग उत्साह है और एक अलग खुशी है कि इन लोगों के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से आज मैं एक गाड़ी लिया हूँ, बस आप सबका प्यार बना रहा है बस। तो चलिए, ऐसे ही चंदन चंचल धमाल मचाते रहेंगे, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें, और मैं जाते जाते एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि शायद वो राइटर जो है PK Arun जी, जो इस गाने को पूरा श्रेय सबसे बड़ा उन्हीं का जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनके लिए बस ईश्वर से प्रार्थना है, माथा वाली से प्रार्थना है कि और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और तब हम लोग आके फिर एक बार तहलका करेंगे। और वो अभी स्वस्थ हैं, तो उनका आप तो समझ रहे हैं तबीयत थोड़ा सा डाउन था, खैर उनको अच्छे से हम लोग घर पहुंचा दिए और अभी स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, माता रानी का कृपा है। जाइएगा गाड़ी लेकर। बिल्कुल, और सबसे पहले हम वहीं पे जाएंगे उनसे मिलकर, थाई वाली माँ के दरबार में उनको लेकर हम जाएंगे जी, क्योंकि हम मन्नत मांगे थे कि जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो जब ही अपना गाड़ी से उनको ले जाकर थाई वाली माँ के दरबार में पूजा करेंगे और नारियल वही फोड़ेंगे। गाड़ी आपको एक सुविधा तो मिल गई, घमंड आपको आएंगे या नहीं आएंगे? हमको देखिए घमंड नहीं आता है और हम लोग जमीनी स्तर से हैं, कभी भी हम प्रेम के लोभी हैं और प्रेम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए, नहीं कहीं ना कहीं ऐसे स्टारों को होता है गाड़ी का शीशा भी नहीं खुलता है, जो कि नई चमचमाती गाड़ी जिनको मिलती है तो शायद शीशा भी नहीं उतरता है दर्शकों के लिए, तो ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो हमारे दर्शक हमारे चाहने वाले आएंगे तो शीशा क्या, मैं उतर के भाई के साथ भूया बैठ के फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए आप लोग हैं। बिल्कुल, थोड़ा मैं चाहूँगा कि मगधी स्टार कुंदन बिहारी जी यहाँ पे हैं, चंदन जी एक SUV खरीद रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, सबसे पहले तो आपके तबाही न्यूज पर जितने भी सब दर्शक बंधु सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आज मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि एक मगही कलाकार और एक भोजपुरी कलाकार जब दोनों हम लोग आपस में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए आज मेरे भाई समान इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इनका आज गाड़ी निकल रहा है, हम बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि मन कर रहा है कि आज हम 100-200 ग्राम लड्डू बांट दें, मतलब कि 1-2 किलो बांट दें और बांटेंगे भी, और जब तक हम दोनों भाई जिएंगे साथ में, जैसा भी हम लोग का व्यवहार है अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। हमारे सबसे पहले सब जितना भी हमारे कलाकार हमारे गार्जियन बड़े हैं सबको मेरा यहीं से प्रणाम नमस्कार है और आप सबका आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। तो चलिए, और राहुल सम्राट जी के लिए भी 2 शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये भी XUV 300 खरीदने वाले हैं, इनके लिए क्या कह रहे हैं और कब गाड़ी इनके आने वाली है? सबसे पहले तो भैया के हम बधाई देवे करब, और यहाँ के 8वीं के गाड़ी आ रहा भैया, और आज हमारा होता 5वीं के। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में चंदन चंचल जी, जो कि देवरा ढोनी चटना बा, और आज इन्हें XUV प्राप्त हुई है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे काफ़ी दर्शक और काफ़ी इनके भाई लोग आए हुए हैं, काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं कैमरा में से चाहूँगा कि एक बार फिर से इस XUV को दिखा दिया जाए, और देखिए यहीं पर चंदन चंचल की एक गाड़ी मौजूद है और काफ़ी शानदार और जानदार दिख रही है, तो मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि लगातार इस गाड़ी को दिखाया जाए, और यहीं पे फिर चंदन चंचल भी मौजूद हैं, तो यहीं पे चंदन चंचल जी मौजूद हैं, थोड़ा इन्हें तस्वीर को दिखा दिया जाए, कि सभी दर्शकों को दिखा दिया जाए, और कैमरा मैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी।